नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, डायरेक्टर केवाईसी होते क्या है और डायरेक्टर केवाईसी कराने जरूरी क्या है। हर साल की तरीके से इस साल भी आपको डायरेक्टर केवाईसी कराने हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। तो इसी टॉपिक के लिए हमारे साथ आए हुए हैं रचित जी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं डायरेक्टर केवाईसी को लेके। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। और डायरेक्टर केवाईसी को लेके अपनी पूरी रूपरेखा, अपनी पूरी नॉलेज, अपना पूरा ज्ञान डालेंगे। तो रचित जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में। बताएं थोड़ा सा कि डायरेक्टर केवाईसी होते क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, किस तरीके की डेडलाइन है, क्या जरूरी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बेसिकली केवाईसी है आपका नो योर कस्टमर नॉर्म्स। इसके अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हर साल के अंदर कोई भी चेंजेस अगर आपके डिन या पैन में होते हैं तो वो आपको सबमिट करने होते हैं। आपके पास इसके अंदर बेसिकली टाइम लिमिट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से लेकर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होती है कि हर साल आपको रेन्यूअल कराना पड़ता है। बेसिकली डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का रेन्यूअल इसे हम कहते हैं। तो ये लास्ट मंथ है इसका करने का। तो जो जो कंपनी में डायरेक्टर है और या फिर जिसने कभी भी एट एनी टाइम डिन नंबर होल्ड कर रखा है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्ड कर रखा है, तो उसको ये कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। इसके अंदर बेसिकली आपका DIR3 KYC फॉर्म जाता है वन टाइम। अगर आप पहली बार अपना लास्ट ईयर आपने कंपनी बनाई है और आपका फर्स्ट टाइम ये ऑडिट होने वाला है तो आपको DIR3 KYC फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका डिजिटल सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा। साथ साथ एक प्रोफेशनल जो कि कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CWA होगा, उसको आपको प्रोफेशनल क्या करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा अपने COP या मेंबरशिप नंबर से, फिर वो फॉर्म जाके अपलोड होगा। इन केस आप 30 सितंबर के बाद ये फॉर्म को अपलोड करते हैं, आपको डिले हो जाता है, तो आपके ऊपर 5,000 रुपीज का नॉन कम्प्लायंस का पेनल्टी है इसके ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्प्लायंस है करना, हर 30 सितंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट कम्प्लायंस है करना। तो मैं व्यूअर्स को कहूंगा जिनके पास भी डिन नंबर है या फिर जो भी KYC जिनका पेंडिंग है वो अपना KYC कराए, जिससे कि उनको पेनल्टी ना लगे। सेकेंड केस ये बनता है जब आपका फर्स्ट टाइम का फॉर्म जा चुका है, तो फिर उसके लिए DIR3 KYC वेब का फॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लॉग इन करके आप खुद भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपका जो भी ऑडिटर होगा जब सारा काम कर रहा है तो आप वो भी काम उसी से ही करवाएं। उसमें सिंपली आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे OTPs आएंगे, OTPs को वेरीफाई करेंगे और फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका चलान जनरेट हो जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो निल होती है, वैसे कोई गवर्नमेंट की फीस नहीं है। 1,000 रुपीज या 1,500 रुपीज प्रोफेशनल कोई भी चार्ज करता है फाइल करने का। तो 5,000 रुपीज की पेनल्टी से आप बचें, क्योंकि असलियत में जो प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी कंप्लायंस है बहुत ज्यादा चीप है, मतलब महंगे नहीं है, बट लोग उसको नॉन कंप्लायंस करते 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 वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है कंपनी, फिर इसलिए लोग कहते हैं कि यार प्राइवेट लिमिट बना के हम लोग फंस गए। तो इसलिए आप अपने कंप्लायंसेस को खुद भी, अपना गूगल है आपके पास, आप गूगल पे सर्च करें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं। हर चीज आप किसी से भी सजेशन ले सकते हैं, हमारा नंबर आप लोगों के पास है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी मैटर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके सर, थोड़ा सा ये और बताएं, जैसे कई लोगों के दिमाग में ये क्वेरी होती है कि हाँ जी, वो ये जानना चाहते हैं कि हाँ जी, सपोज हमने तो कंपनी में रिजाइन कर दिया था या अब हम कंपनी का पार्ट नहीं है, तो क्या हमें भी डायरेक्टर KYC करने हैं? आप इसमें थोड़ी रूपरेखा डालें। जो भी व्यक्ति डिन नंबर होल्ड करता है, चाहे वो एट एनी टाइम वो डायरेक्टर है या नहीं है, उसको तब भी अपना KYC मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो 5,000 रुपीज की पेनल्टी भरनी पड़ेगी और साथ साथ आगे चलिए किसी भी फॉर्म को आप फाइल नहीं कर सकते। इन केस अगर आप किसी और कंपनी में अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं और आपका डिन KYC आपका अपडेटेड नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं बन पाएंगे जब तक आप 5,000 रुपीज की पेनल्टी को सबमिट नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी चीज है, सबसे पहला कंप्लायंस यही होता है कि आपका डिन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, तभी जाकर आप आगे मिनिस्ट्री के फॉर्म्स और कंप्लायंसेस कर पाएंगे आगे चल के इन फ्यूचर। ओके सर, थोड़ा सा ये और बताएं कि हाँ जी, जैसे हमारी सपोज LLP होती है, लोगों के दिमाग में होता है कि हाँ जी हम LLP में हैं तो LLP में हम पार्टनर हैं, तो क्या हमें भी करना जरूरी है? LLP में भी डिन नंबर होता है एक तरीके से। LLP का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डेजिग्नेटेड नंबर होता है, वो भी आजकल सेम डिन नंबर पे ही वर्क करता है, सबका मिनिस्ट्री ने सेम चीज कर रखी है। उनको भी KYC कराना मैंडेटरी है, 30 सितंबर इसमें लास्ट डेट होती है। मैं बार बार ये डेट इसलिए दोहरा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को याद रहे ये डेट हमेशा, क्योंकि 5,000 रुपीज की पेनल्टी और दो जनों की, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड दो जने होते हैं,
तो आपका 10,000 रुपए का जो पूरे साल में एक बेसिक ऑडिट होता है, 10 लाख रुपए से नीचे का 10-12 हजार रुपए की ऑडिट की जो भी कॉस्टिंग आती है इतनी, उतने में ही आपको पेनल्टी जमा करनी पड़ जाएगी। तो इससे ज्यादा बेटर है आप, जब आपको हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है ऑनलाइन वर्चुअली, आपको इतनी सब नॉलेज मिल रही है, भंडार मिल रहा है नॉलेज का, तो आप उसका यूटिलाइज करिए। गूगल है आपके पास, सर्च करिए क्या कहाँ कंपनी लॉ में कौन सा सेक्शन है, क्यों करना पड़ता है, हर चीज का रीजन होता है। अगर आप इन चीजों को समझेंगे नहीं आज, तो आगे चल के आप ही लोगों को पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। कई मेरे क्लाइंट्स हैं आज की तारीख में जो कि पिछले साल ऑडिट नहीं करवाया, जिन्होंने जो आज 60,000 रुपए का एक फॉर्म की पेनल्टी फीस पे कर रहे हैं। मैं आगे चल के आपको भी दिखा भी दूंगा, 60,000 रुपीज की पेनल्टी। एक आपको याद हो गौरव जी, हमने एक क्लाइंट की पेनल्टी भर दी, हमारे लक्ष्मी नगर एक क्लाइंट थे बहुत अच्छे जॉब, 70,000 रुपीज की पेनल्टी हमने उनकी भरी थी, याद है मुझे, क्योंकि उन्होंने गलती ये कर दी थी कि टाइमली कुछ भी नहीं किया था, टाइमली कंप्लायंस 6 मंथ्स का डिले हुआ था सिर्फ। तो बेसिकली आप टाइमली कंप्लायंस कराइए, तभी इसमें आगे चल के बेटर रहेगा। थैंक यू रचित जी, थैंक यू।